ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर अपर्णा, अगर कोरोना की मौजूदा स्थिति पर एक नजर डालें तो देश में कोविड 19 मरीजों के स्वस्थ होने की दर बेहतर होती जा रही है और अब यह 75.27 हो गई है। आप कोरोना की वर्तमान स्थिति को कैसे देखते हैं? केसेस बढ़ रहे हैं, नई नई जगह में जहां पे पहले डिस्ट्रिक्ट अफेक्ट नहीं हुए थे वहां पे आ रहे हैं। जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज जहां पे पहले बहुत ज्यादा आक्रमण था कोरोना का, अभी वो कम हो रहा है। तो ये देखने में आ रहा है कि कई जगह में प्लेटू हो गया है, कई जगह में अभी केसेस बढ़ रहे हैं और अभी बहुत कम ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स बचे हैं जिसमें कि कोरोना एकदम नहीं है। जिन स्टेट्स में पहले नहीं था अभी उनमें बढ़ रहा है, लेकिन अच्छी बात ये है जैसा आपने बताया कि रिकवरी रेट बढ़ रहा है और केस फेटलिटी रेट जो हम बोल रहे हैं वो कम हो रहा है। नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं लेकिन डेथ कम हो रही हैं। अगर हम डेथ को बचा सकें, कम कर सकें, तो वो हमारी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। डॉक्टर अपर्णा, बात करते हैं मास्क को लेकर WHO की जारी एडवाइजरी की, जिसमें कहा गया है कि 12 साल से बड़े सभी बच्चों के लिए मास्क आवश्यक हैं। WHO ने अपनी एडवाइजरी में ये भी कहा है कि 5 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चों को मास्क नहीं पहनना चाहिए। इसके अलावा 6 से 11 साल की उम्र के बच्चों के परिजनों से उनके मास्क पहनने और उतारने में मदद और निगरानी रखने को कहा गया है। सीनियर सिटीजन्स के लिए भी एडवाइजरी दी है। 60 वर्ष से कम उम्र के जो लोग हैं उनको कपड़े का मास्क और 60 साल से अधिक के लोग और बीमार लोगों को मेडिकल मास्क लगाने की सलाह दी गई है। तो इस एडवाइजरी के बारे में आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगी? पहले ऐसा माना जा रहा था कि बच्चों में वायरल लोड कम होता है, लेकिन अभी ये पाया गया है कि बच्चों में भी वायरल लोड ज्यादा है। इसलिए एडवाइजरी मास्क की आई है कि 12 साल से ऊपर सब बच्चे मास्क पहने और 6 साल से 11 साल, क्योंकि बच्चे चंचल होते हैं मास्क ठीक से पहने नहीं पहने, इसीलिए ये बोला गया है कि उस पर निगरानी रखी जाए। अगर ऐसे बच्चे हैं जो एकदम मास्क नहीं पहनते तो फिर उनको नहीं पहनाए, नहीं तो हानिकारक हो सकता है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मास्क नहीं पहने, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो उसको मुंह में चबाने लगे, हाथ उसके ऊपर में रखेंगे, जिससे नुकसान ज्यादा हो सकता है बजाय फायदे के, इसीलिए ये एडवाइजरी दी गई है। जहां तक एल्डरली का सवाल है कि 60 साल से ऊपर के लिए जिनको कोमॉर्बिडिटीज जो हम बोलते हैं, को शुगर की बीमारी है या लंग डिजीजेस है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है और कोई भी ऐसी कोमॉर्बिडिटीज है जो ओबीस है, हाइपरटेंशन है, उनमें मेडिकल मास्क बोला गया है, क्योंकि कपड़े के मास्क के कंपैरिजन में मेडिकल मास्क से सेफ्टी कुछ प्रतिशत ज्यादा है। डॉक्टर अपर्णा, जैसे बहुत छोटे बच्चे हैं जो 5 साल के नीचे हैं, अगर बहुत जरूरी है कि अगर माँ उन्हें अपने साथ बाहर ले जाना चाहती है, इतने छोटे बच्चों को मास्क पहनाना मुश्किल होता है, क्योंकि कभी वो चबा देंगे, हाथ उनके इधर उधर जाते हैं, वो अगर मास्क के ऊपर में लगाएंगे तो उसका फायदा होने के बजाय उसका नुकसान होएगा। तो इसीलिए उनके लिए यही एडवाइस है कि माँ बच्चे को अपने साथ में रखे। बेटर तो ये है कि उनको बाहर नहीं लेकर जाए अपने साथ। अगर घर में कोई भी ऐसा है जो बच्चे का ख्याल रख सकता है तो बच्चों को बाहर नहीं लेकर के जाएं। जी डॉक्टर अपर्णा, जैसा कि आपने बाजार की बात करी तो दिल्ली में भी 12 साप्ताहिक बाजार जो है वो खुल गए हैं और जो कि कोरोना काल में बंद हो गए थे, तो ट्रायल के तौर पे उनको खोलने की अनुमति दी गई है। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसे भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जब ये शुरुआत हो रही है तो लोगों को किस तरीके का एहतियात बरतने की जरूरत है? एहतियात वही 3 पिलर्स है हमारे जो शुरू से आप बोलते आए हैं, हम लोग बोलते आए हैं, वो ये है हैंड हाइजीन, हाथ घर से साफ करके निकले साबुन से, अपने पर्स में बैग में सैनिटाइजर की बोतल रखें और बीच बीच में सैनिटाइजर से हाथ धोते रहें। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिना मास्क के कहीं नहीं जाएं और मास्क सिर्फ लगाना आवश्यक नहीं है, उसको ठीक से लगाना आवश्यक है। बारी हम ये देख रहे हैं कि मार्केट में जाते हैं, लोगों ने मास्क तो बांधे हुए हैं लेकिन वो ठोड़ी के ऊपर है या सिर्फ मुंह के कवर कर रहा है, नाक के नीचे है। तो इस चीज का हमको खास ध्यान रखना है कि मास्क नाक और मुंह दोनों
घुटनों को कवर करे और टाइट रहे ऊपर। अगर लूज मास्क बांधा हुआ है तो फिर उसकी एफिकेसी कम हो जाती है। और तीसरी चीज सोशल डिस्टेंसिंग, जहां पर भी भीड़ ज्यादा है वहां पे अवॉइड करें या वेट करें कि कुछ लोग निकल जाए उसके बाद। गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस इशू की है वीकली मार्केट के लिए कि एक स्टॉल में कितनी दूरी पर होनी चाहिए, कितने लोग उसमें रह सकते हैं शॉपकीपर्स और ग्राहक कितने हो सकते हैं, वो हमको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। डॉक्टर अपर्णा, कोरोना काल में आयुर्वेद जो है एक नए तरीके से उभर के सामने आया है। हम लोग अपनी पुरानी पद्धति में वापस जा रहे हैं और काढ़े का सेवन काफी मात्रा में लोग कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगी? इन सब चीजों से बोलते हैं इम्यूनिटी बूस्ट होती है तो आपको कोरोना से शायद प्रोटेक्शन मिले। ये आयुष मंत्रालय की एडवाइजरी है और इन सब चीजों में नुकसान कुछ नहीं है। अगर आप नहीं भी मानते इस चीज को तो भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि इसमें नुकसान कुछ नहीं है। एहतियात बरतते हैं और साथ में काढ़ा पी रहे हैं, प्रिकॉशंस ले रहे हैं तो आपको कोरोना के चांसेस कम होने चाहिए। डॉक्टर अपर्णा, कोरोना वायरस कैसे खत्म होगा? कैसे खत्म होगा तो अभी कोई भी इस चीज का जवाब नहीं दे सकता है। एक चीज ये जरूर है जो भी बोल रहे हैं कि हर्ड इम्यूनिटी जब हो जाएगी, हर्ड इम्यूनिटी मतलब एक पर्टिकुलर परसेंटेज पॉपुलेशन जब इन्फेक्ट हो जाती है वायरस से उसको हम हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। अब वो परसेंटेज 60% है, 70% है या कुछ लोग कह रहे हैं कि मे बी उससे थोड़े कम में भी हो जाए, उसकी जानकारी अभी तक किसी को नहीं है। लेकिन जब एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ लोग, मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन इन्फेक्ट हो जाती है वायरस से, तब वायरस की रेप्लीकेशन जो आगे दूसरे लोगों को इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्टिविटी रेट कम हो जाता है, उससे कोरोना धीरे धीरे करके डिजीज डाई डाउन कर जाती है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट, अगर हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल हो जाए और हम लोगों को वैक्सीन दे पाए, जब हम पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीन मेजोरिटी ऑफ लोगों को दे दें, उसका पर्पस फिर वही है कि वो इम्यूनिटी बनाता है और एक पर्टिकुलर परसेंटेज में पॉपुलेशन में जब वो इम्यूनिटी होगी, 7% अभी हम लोग मान के चल रहे हैं, तो फिर कोरोना वायरस की इन्फेक्टिविटी रेट कम हो जाती है। डॉक्टर अपर्णा, कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी का बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है और वैश्विक रूप में भी इसका पालन हो रहा है, तो क्या कुछ इस थेरेपी के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएंगी? प्लाज्मा एक ब्लड का कंपोनेंट होता है जिसमें सारे प्रोटीन्स और एंटीबॉडीज होते हैं। जो एक बारी इंसान कोरोना से ग्रसित हो चुका है, बॉडी इस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज होते हैं। तो जो भी मरीज कोरोना से संक्रमित हो चुका है उसकी बॉडी में कोरोना के इफेक्ट खत्म होने के बाद 2 to 4 वीक के बाद में एंटीबॉडी लेवल्स मैक्सिमम होते हैं। तो ऐसे संक्रमित और ठीक हुए इंसानों से हम लोग प्लाज्मा निकालते हैं और जो मरीज है कोरोना का अभी जिसमें एक्टिव डिजीज है उनको ये प्लाज्मा हम दे सकते हैं, प्लाज्मा विथ न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज। और ये हमको उस समय देना है जब डिजीज सीवियर स्टेज पर नहीं पहुंची हो। तो मॉडरेट केस में, मॉडरेटली सीवियर बोलते हैं जिसमें हमको ऐसी आशंका है कि ये सीवियर हो सकती है इस मरीज में, उनको हम प्लाज्मा थेरेपी देते हैं। इससे ये एंटी कोरोना वायरस नहीं है फुल्ली, हालांकि न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज देखते हैं। मॉर्टेलिटी रेट पर इसका ज्यादा असर अभी तक नहीं पाया गया है। डेफिनेटिव स्टडीज ऑनगोइंग है, चल रही हैं, लेकिन डेफिनेटली कहते हैं सिवियरिटी कम कर रही है प्रोबेबली एंड हॉस्पिटल स्टे कम कर रहा है। न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज का पर्पज यही है कि वो वायरस के अगेंस्ट फाइट करता है, उसकी वजह से शायद सिवियरिटी कम करता है। बाकी स्टडीज जो चल रही हैं, एक बार उसके रिजल्ट्स आएंगे, लार्ज स्केल स्टडीज ट्रायल्स जो चल रहे हैं, आईसीएमआर भी कंडक्ट कर रहा है, भारत में हो रहा है, बाकी जगह भी हो रहा है, तब हमको और डिटेल्स उसके पता चलेंगे। डॉक्टर अपर्णा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।